सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं और इस व्रत के लिए कई दिन पहले से तैयारी भी करती हैं। इस साल यह व्रत अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में पड़ेगा। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से वे हमेशा सुहागिन रहती हैं और उनकी मैरिड लाइफ खुशहाल रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा करने की विधि क्या है। करवा चौथ 2021 पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 3:01 से चतुर्थी तिथि शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 5:43 तक रहेगी। इस दौरान करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 5:43 से 6:59 तक रहेगा। इस साल करवा चौथ पर एक विशेष संयोग बन रहा है जो कि बेहद शुभ फलदायक है। इस बार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा जो कि बेहद शुभ माना जाता है। चंद्र दर्शन रात को करीब 8:07 पर हो सकता है। इसके बाद ही व्रती महिला को पारण करना चाहिए। ऐसे करें करवा चौथ का व्रत पूजन। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सरगी खाएं और फिर भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करें। इसके लिए मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें और करवा रखें। फिर विधि विधान से पूजा करें। करवा चौथ की कथा पढ़ें। चंद्रमा निकलते ही चांद को छलनी से देखें, उसे अर्घ्य चढ़ाएं। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें, साथ ही अपनी सास का आशीर्वाद लें। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ भी करने से पहले एक बार अपने पंडित जी की सलाह या किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह जरूर ले लें। साथ ही धर्म की ओर ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे धर्म गुरु के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।